सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एसएससी की तरफ से एक और नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी कि एसएससी ने सीएचएसएल 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और ये वैकेंसी 10th पास ऑल ओवर इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आप सभी को बता दें ऑल ओवर इंडिया में सभी मिनिस्ट्री जो आप सभी के रहते हैं टॉप डिपार्टमेंट में, आप सभी को असिस्टेंट एलडीसी डीईओ और जीएससी जैसी जॉब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए हो सकती है अगर आप 12th पास कैंडिडेट हैं और आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में है। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरी डिटेल आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, सारी चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी हैं। एज क्राइटेरिया, सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो आप सभी को बता दें, जैसे ही आपकी रिवाइज डेट जारी हुई थी तो कल ही मैंने आप सभी को बोल दिया था कि 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। तो फाइनली नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हो चुका है और नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में भी ऑलरेडी मैंने आप सभी को बोला हुआ था कि अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी आपकी आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 1000-1200 वैकेंसी आने वाली है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी 3712 यहाँ पे निकाली गई है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसीज, तो टेंडेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रोक्स 3712 वैकेंसीज, हाउएवर फर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि अभी के टाइम में जो अप्रोक्स वैकेंसी निकाली है वो 3712 आपकी वैकेंसी निकाली है, लेकिन मैंने आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि लगभग 4500 वैकेंसी आपकी खाली है और इतनी वैकेंसी आप सभी की आ सकती है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी। अभी आपकी अप्रोक्स वैकेंसी है और लगभग संख्या को हो सकता है कि दोबारा से रिवाइज करके लगभग ये 4500 के अप्रोक्स आपकी वैकेंसी हो सकती हैं। एट प्रेजेंट टाइम आपकी 3712 यहाँ पे वैकेंसी जो भी है वो आपकी यहाँ पे रिलीज कर दी गई हैं। इसके अलावा आप अपनी वैकेंसीज आके चेक कर सकते हैं, टेंटेटिव जो वैकेंसीज है वहां पे आप सभी को इसका डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करें देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रहने वाली है, तो क्वालिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे दो तरह की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, यानी 12th पास तो होती ही होती है, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें 12th पास यहाँ पे क्राइटेरिया होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे डीईओ की पोस्ट होती है, अगर आप डीईओ ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप कैग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जर्नल ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के लिए या फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन वाले डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए 12th के साथ साथ आपके पास यहाँ पे साइंस स्ट्रीम में 12th पास आपकी होनी चाहिए, यानी जो 12वीं आपने पास किया है वो साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इन वाली पोस्ट के लिए। बाकी का अगर आपने साइंस स्ट्रीम में अप्लाई नहीं किया हुआ है, यानी कि क्वालिफाई नहीं किया हुआ है 12th आपने, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप एलडीसी, जीएसए और डीयू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, केवल इन वाली मिनिस्ट्री के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया होता है वो साइंस स्ट्रीम वाले कैंडिडेट के लिए ही होता है। तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं है तो ये डीईओ ग्रेड ए वाली जो पोस्ट है, जो आपकी कुछ 2-3 मिनिस्ट्री है, इनके अलावा आप किसी में भी अप्लाई कर देना, केवल इन्हीं में आप अप्लाई नहीं कर सकते। नॉन साइंस वाले कैंडिडेट के लिए ये चीज अप्लाई होती है। इसके अलावा देखो मैं यहाँ पे बात करूं तो फिर यहाँ पे नंबर सेकंड बात कर लेता हूँ एज क्राइटेरिया के बारे में, कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल आपका रहने वाला है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप वहीं पे एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो 18 से 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ओबीसी एससी एसटी। अगर मैं बात करूं उम्र की गणना कब से की जाएगी, तो 1 अगस्त 2024 से आपकी उम्र की गणना होगी, तो इसी दिन आपकी न्यूनतम और अधिकतम आयु की उम्र की गणना होगी। 1 अगस्त 2024 को आपकी उम्र 18 से 27 जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी में 18 से 30, एससी एसटी में 18 से 33 साल आपकी एज क्राइटेरिया होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस टायर 1 एग्जामिनेशन, टायर 2 एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो
टायर वन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टायर वन का सिलेबस आप सभी देख सकते हैं, जिससे कि आप सभी को क्लियर हो जाए। और ये जो टायर वन होता है ये फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका एंड ही होता है, केवल टायर टू के लिए ये एग्जामिनेशन होता है, यानी कि इसी के बेसिस पे आप टायर टू के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ मिनिमम क्राइटेरिया, उससे नीचे अगर आप लाते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती है, बट कम से कम आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा, वो अभी मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पे मेरिट बनती है और उसी के बेसिस पे टायर टू के लिए आप क्वालिफाई होते हैं। टोटल चार सेक्शन में ये डिवाइड होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे पार्ट ए आपका हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें बेसिक नॉलेज आप सभी की आती है, फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस, फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फिर आपका जनरल अवेयरनेस। हर एक सेक्शन में आपको 25-25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आप सभी को दिए जाते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि 100 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स आप सभी को दिए जाते हैं। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो 1/4 की आपकी नेगेटिव होती है, यानी कि हर एक गलत उत्तर के लिए 0.50, यानी कि आधा अंक आप सभी का यहाँ पे काट लिया जाता है। तो ये यहाँ पे सिलेबस हो गया आपका टायर वन का। इसके अलावा टायर टू की अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं इसके लिए यहाँ पे करंट पब्लिकेशन के आपको वन ऑफ द बेस्ट बुक देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट की बुक मिल जाएंगी। और आप सभी का सिलेबस भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं और जो भी आपके मेंस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उसके लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के जो आपको सॉल्व पेपर मिल जाते हैं चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, जिसमें 11,950 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 16,950 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। इसी तरीके से करंट पब्लिकेशन के आपको सॉल्व पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे सामान्य अध्ययन के, जिसमें 14,450 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। वहीं पर रीजनिंग के भी आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ सॉल्व पेपर मिल जाते हैं 12,950 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दिसंबर 2023 तक के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और इन सभी चारों बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इन बुक को परचेज कर सकते हैं या अपने नियर बाई बुक स्टोर से भी जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक आप सभी के लिए रहेंगी एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है पीवाईक्यू की एसएससी में अपनी अलग ही इंपोर्टेंस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे टायर टू के बारे में, तो टायर टू का सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि टायर टू का सिलेबस आप सभी का क्या रहने वाला है, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। का टायर टू यहाँ पे रहने वाला है, तो टायर टू का सिलेबस आप सभी देख सकते हैं कि टायर टू में आपका क्या क्या यहाँ पे पूछे जाने वाला है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे आप सभी का सेक्शन में डिवाइड होता है, तो टोटल 3 सेक्शन यहाँ पे आप सभी के होते हैं। यहाँ पे हर एक सेक्शन में आपको मॉड्यूल देखने के लिए मिल जाएंगे, तो सेक्शन वन में अगर आप देखेंगे तो 2 मॉड्यूल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, सेक्शन टू में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 मॉड्यूल देखने के लिए मिल जाएंगे और सेक्शन थर्ड में आपको 1 मॉड्यूल देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सेक्शन थर्ड होता है, इसका मॉड्यूल वन जो आप सभी को कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल दे रखा है, इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए हर एक के लिए 3 नंबर आपको दिए जाते हैं, यानी 45 नंबर का आपका ये कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होता है। इसमें केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसके नंबर भी आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में एड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी वो केवल सेक्शन वन और सेक्शन टू के बेसिस पे यहाँ पे बनती है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है और तीनों ही सेक्शन में आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि हर एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। तो हर एक सेक्शन में आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 1 नंबर आप सभी का काटा जाएगा। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट सेक्शन वन और सेक्शन टू को मिला के बनेगी, यानी कि सेक्शन वन में आपको 180 मार्क्स और सेक्शन टू में भी आपको 180 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि टोटल जो आपकी मेरिट बनती है वो 360 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अगर हम बात करें सेक्शन वन में आपको 2 सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस। इसमें 33 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे दोनों सब्जेक्ट में, यानी 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको दिए जाएंगे, तो 180 नंबर का आपका सेक्शन वन यहाँ पे हो जाता है। फिर सेक्शन टू की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा मॉड्यूल वन, और मॉड्यूल टू जो आपका रहेगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस। और अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल आपके 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको दिए जाएंगे, यानी 180 मार्क्स का यहाँ पे भी आपका सेक्शन टू रहने वाला है। तो सेक्शन वन एंड सेक्शन टू को मिला के टोटल आपके मार्क्स हो जाते हैं 360। इसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो सेक्शन वन एंड सेक्शन टू आप
आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, जो फाइनल में आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, एक आप स्टेज के लिए क्वालिफाई करके उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है जिससे कि आप सभी का सिलेक्शन हो पाए। हालांकि आपको हर जगह पे अपने बेस्ट एफर्ट लगाने हैं और बेस्ट देना है जिससे कि आप सभी को कहीं पे कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे टायर वन मैंने आपको क्लियर कर दिया, टायर टू आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा फिर बात आती है स्किल टेस्ट की। तो देखिए स्किल टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आप सभी के लिए इसलिए रहता है क्योंकि आप सारी स्टेज क्वालिफाई करते हैं, और अगर यहाँ पे टाइपिंग अगर आपसे क्वालिफाई नहीं होती है फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी है जो मिनिस्ट्री में आप सभी की रहती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर कल्चर और फूड कॉर्प, फूड कंज्यूमर वाली जो वैकेंसीज मैंने बताई थी, कैग वाली बताई थी, इसके लिए स्पेशल क्राइटेरिया होता है। और इसके लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए स्पीड आपकी जो होनी चाहिए वो 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और केवल जैसे कि मैंने आप सभी को बताया जो आपकी 3-4 मिनिस्ट्री है उन्हीं के लिए ये चीज अप्लाई होती है। बाकी का अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप अदर किसी में भी अप्लाई करेंगे जनरली, तो उसके लिए केवल जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 27 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक वैकेंसी और रहती है आपकी LDC और GSA की, यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लोअर डिविजन क्लर्क। इसके लिए अगर आप टाइपिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी 2 टाइपिंग होती है, एक आपकी टाइपिंग होती है हिंदी में और एक टाइपिंग होती है इंग्लिश में। अब आप जो चाहें इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप हिंदी की दे सकते हैं या फिर इंग्लिश की दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो हिंदी की टाइपिंग की, तो हिंदी की टाइपिंग की जो स्पीड होती है वो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। तो ये आप सभी की यहाँ पे टाइपिंग आपको क्लियर हो गई होगी। GSA और LDC की आपको क्लियर हो गई। DEO अदर डिपार्टमेंट के लिए 27 वर्ड पर मिनट। अगर आप मिनिस्ट्री जो 3-4 स्पेशल कैटेगरी है जिनके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास विद साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, उसके लिए 50 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस, और इससे पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका टायर वन रहेगा और साथ ही में जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि जो आपका सेक्शन थर्ड रहेगा और उसका मॉड्यूल वन आप सभी का रहेगा, तो उसके मॉड्यूल वन का यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। उसके लिए क्वालिफाइंग जो नेचर मार्क्स चाहिए कि इतने कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 30%, OBC EWS कैटेगरी में 25%, बाकी के अदर कैटेगरीज के लिए 20% क्राइटेरिया होता है। अब जैसे कि आप सभी को वहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 नंबर हर एक के लिए दिए जाएंगे, तो 45 नंबर वहाँ पे होते हैं। अब 45% का 30% निकाल लेना, OBC EWS है तो 25% निकाल लेना, अदर कैटेगरी है तो 20% निकाल लेना। इसके अकॉर्डिंग आप सभी का यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का कंप्यूटर नॉलेज में रहेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल OBC और EWS कैंडिडेट कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी है, और बाकी का कोई भी कैटेगरी हो फीमेल के लिए सभी कैटेगरी में फीस माफ रहेगी। बाकी का SC ST एक्स सर्विसमैन फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अप्लाई की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं नोटिफिकेशन रिलीज हो गया रात को 3:40 के अप्रोक्स आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। नोटिस आप सभी देख सकते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024, डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/4/2024 से लेके 7/5/2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 8 अप्रैल रात से ही आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहां पे स्टार्ट हो जा रहे हैं अभी से। तो यहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 7 मई 2024 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट भी आपकी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। एग्जामिनेशन डेट जाके देख सकते हैं। करेक्शन विंडो भी आपकी ओपन होगी जो कि 10 मई से लेकर 11 मई तक आपकी एक्टिव रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए करेक्शन भी करवा सकते हैं। तो आई होप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस भर्ती के बारे में ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें ताकि सभी को इसके बारे में कंफर्म हो जाए और तैयारी करने के लिए बेस्ट लुक आप परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आई होप आप ऐसे ही कंटिन्यू जुड़े रहेंगे ताकि आप सभी को रेगुलर जॉब अपडेट मिलती रहे, और साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको इससे भी फास्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।